सुषमा स्वराज जब किसी से मिलती तो दिल खोल कर मिलती थीं। उनकी सहजता से संवाद आसान हो जाता था। राजनीति में सहज संवाद ही तो सबसे बड़ी बात होती है। ये थी सुषमा स्वराज की खासियत। एक विदेश मंत्री के तौर पर कई बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने भारतीय नागरिकों को संकट में पाया। ऐसे में उन्होंने एक मंत्री की ताकत का उपयोग तो किया ही, साथ ही मानवता का जोर भी लगाया, और तब तक लगाया जब तक संकट गुजर ना गया हो। वो जिससे भी मिलती उस पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती। उनका ये निर्मल स्वभाव उनकी ताकत थी, ना कि उनकी कमजोरी। ये उनकी ताकत ही थी कि उनके राजनीतिक विरोधी भी उनके मित्र थे। ये उनकी ताकत ही थी कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को उन्होंने संभाला और अपने पक्ष में किया। 14 फरवरी 1952 में हरियाणा के एक राजनीतिक परिवार में जन्म लेने वाली सुषमा स्वराज पेशे से वकील थीं। उन्होंने जयप्रकाश आंदोलन के वक्त राजनीति में कदम रखा। 1977 में मात्र 25 साल की उम्र में वो हरियाणा विधानसभा के लिए चुनी गईं और उन्हें सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनने का सम्मान प्राप्त हुआ। 1998 में वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। इसके अलावा उन्होंने केंद्र में सूचना प्रसारण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और यूपीए 2 में नेता विपक्ष का पदभार भी संभाला। अपने राजनीतिक जीवन में वो 3 बार राज्यसभा और 4 बार लोकसभा के लिए चुनी गईं। पिछले कुछ दिनों से उनकी सेहत ठीक नहीं थी, इसी वजह से उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था। खराब स्वास्थ्य के बावजूद देश दुनिया पर उनकी नजर हमेशा रहती थी और ट्वीट कर वो हमेशा अपने विचारों को समाज के सामने रखती थीं। आज सुषमा स्वराज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वो सहज मुस्कान, उनका ममतामयी व्यक्तित्व हमेशा यादों के खजाने में चमकता रहेगा।